न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं रीवा की, जहां सतगुरु सेवा ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड चित्रकूट के द्वारा नई गढ़ी स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई गढ़ी में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी तहसील इकाई नई गढ़ी के आयोजकत्व में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई गाँवों से आए कुल 375 नेत्र रोगियों का अनुभवी डॉक्टरों से जाँच के बाद उन्हें दवाइयाँ और चश्मा भी उपलब्ध किया गया। वहीं 55 नेत्र रोगी मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए गए, जिनका इलाज कराने के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें चित्रकूट के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सतगुरु सेवा ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड चित्रकूट के और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तहसील इकाई नई गढ़ी के सहयोग से 12 जुलाई को नई गढ़ी स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क नेत्र शिविर परीक्षण का आयोजन किया, जिनमें 375 मरीजों का परीक्षण किया गया। तो वहीं 55 रोगी जो मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए गए थे, उन्हें चित्रकूट उपचार के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी तहसील इकाई नई गढ़ी के संयोजन में और श्री सतगुरु सेवा ट्रस्ट जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के आयोजकत्व में हम लोग बीते 12 वर्ष से आँख यानी अंधत्व निवारण विषय पर काम कर रहे हैं। क्षेत्र के लगभग 8000 से ऊपर मरीजों के आज तक आँख बन चुके हैं। आज 12 तारीख को 375 मरीजों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत 55 मोतियाबिंद जैसे मरीज चिन्हित किए गए, जिन्हें चित्रकूट से आए नेत्र विशेषज्ञों की देखरेख में विशेष वाहन से चित्रकूट ले जाया जा रहा है। अगला कैंप भी इसी जैसे इस तरह 12 तारीख को आज लगा है, ऐसे ही कैंप हर 12 तारीख को लगाया जाएगा। क्षेत्र के हर जनमानस से आग्रह है कि सेवाभावी कार्य से काम करें। आपके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो आँख की परेशानी से हो, आँख का कोई भी परेशानी सुधार व्यक्ति है उसे हर 12 तारीख को नई गढ़ी आप लेकर आएँ, और जो हमारे नेत्र विशेषज्ञ चित्रकूट से आते हैं उनसे अपनी आँखों का परीक्षण कराएं और ऐसे पुनीत कार्य में अपना हाथ बढ़ाएं। क्या नाम लिखते हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी में किस पद पर? राजेंद्र प्रयासी मेरा नाम है, मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तहसील इकाई नई गढ़ी का चेयरमैन हूँ। आप लोग काम कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी और किस हिसाब से लोगों को लाभ ज़्यादा और बेहतर पहुंचाने के? देखिए, अभी हमारे चेयरमैन ने पूरा डिटेल आप सबको बता दिए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सतगुरु ट्रेवा सेवा ट्रस्ट के डॉक्टरों का, जो हम लोगों के मांग पर यहां आते हैं और जनता की सेवा करते हैं। अब हम लोगों का आँख के अलावा और भी सारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो हमारे सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, सबसे मिलकर SDM साहब हमारे अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रयासी जी चेयरमैन हैं, सब कोई बैठ के हम लोग अन्य मरीजों के लिए भी इलाज के लिए प्रयास करेंगे, कुछ और सुविधाएं हम जनता को दे सकें, यही हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। जिस प्रकार से मुख्यालय में लगातार 12 तारीख को कैंप के आयोजन की बात कही गई है, क्योंकि नई गढ़ी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 350 से ज़्यादा गाँव है, गाँव के आखिरी छोर के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचे, इसके लिए क्या प्रयास होगा आपका? देखिए, मैं डॉक्टरों से संपर्क अभी तो हम लोग शुरू किए हैं। पहले तो राजन प्यासी जी सामाजिक संस्था के माध्यम से करते थे, अब रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से हम लोग करना चालू किए हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो दूरस्थ शहर से हैं, जैसे कोट है, फुलहा है, इधर फूल है और करह है, यहाँ भी जैसा समय उपलब्ध होगा उसके हिसाब से हम लोग वहाँ भी कैंप करेंगे, ताकि 12 तारीख तो ये फिक्स है, लेकिन बीच में जैसे समय मिलेगा वहाँ के लोगों को भी सहायता हो, वहाँ की लोगों का भी उपचार हो, इसकी भी कोशिश हम लोग निरंतर करेंगे। आपके टीम में कितने लोग हैं जो निरंतर इस काम में सहयोग कर रहे हैं? देखिए, टीम में सभी टीम भावना से काम कर रहे हैं। राजेंद्र प्यासी जी, नसीम खान हैं, आप स्वयं हमारे जो पत्रकार हैं रामपाल सिंह जी हैं, हमारे सचिव महोदय हैं, आप भी डॉक्टर रामपाल सिंह हैं, राम मिलन प्रजापति जी हैं, राम आश्रय नामदेव जी हैं, बहुत हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ भाव से, PS पांडे जी आप स्वयं हैं, सभी ऐसा हमारा निष्पक्ष भाव से जो काम सेवा भाव कर रहे हैं, सभी का सहयोग आम जनता के लिए मिल रहा है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि जनता के दुख सुख में हम सब आप सबके सहयोग से मिलकर कार्य कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? उमा संकत त्रिपाठी। थैंक।